नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। जैसा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है और काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है लास्ट 2 मंथ में, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैकडोनाल्ड जो पूरे वर्ल्ड में फूड पिज्ज़ा बर्गर्स वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, फूड आइटम्स के लिए इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड, और इसके जितने भी होटल्स हैं कॉम्प्लेक्स हैं वो इंटरनेशनली हर मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। इसके जो बर्गर पिज़्ज़ा है वो काफ़ी फेमस है, और उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि मैकडोनाल्ड की जो कंपनी है वो 2018 से बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे एज ए मोड ऑफ पेमेंट गेटवे के रूप में। जिस तरह से आप इंडिया में INR से जो भी खाने की चीज़ें हैं, इसके जो भी फूड के आइटम हैं वो आप परचेज करते हैं, अगर आपके पास बिटकॉइन है आपके वॉलेट में तो आप डायरेक्ट इसको BTC में पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना जो भी ऑर्डर है वो ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैकडोनाल्ड की जो कंपनी है इसने फ्यूचर में 2018 में प्लान किया है कि एक ब्रिटिश एयरवेज ने भी अभी प्लान किया है और अमेजन ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए, और डोमेन पोर्टल बाय भी कर रखा है अमेजन ने, ठीक है। तो और टॉप की जो 10 कंपनी है एप्पल माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की जो कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी, और वर्डप्रेस, इन्होंने बिटकॉइन को पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और ऑलरेडी उन पर काम चल रहा है और उनका मोड ऑफ पेमेंट एग्जिस्ट है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो जितनी भी जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 कंपनियां हैं और उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैकडोनाल्ड अगर इसको एक्सेप्ट करता है बिटकॉइन को, तो जो प्राइस की जो प्रिडिक्शन है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम है बिटकॉइन का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसका जो रेट है बिटकॉइन का अभी जैसा कि $10,000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, हाईएस्ट $11,700 क्रॉस कर चुका है इंटरनेशनली, और जिम्बाब्वे में इसका रेट $17,000 से ऊपर क्रॉस कर चुका है बिटकॉइन का हाल फिलहाल में, ठीक है। लास्ट 3 मंथ में जो बिटकॉइन का जो रेट का जो फ्लक्चुएशन आया है वो इसलिए आया है क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इंटरनेशनली फोरम पर, और सप्लाई है वो बहुत कम है, तो किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट तो बढ़ेगा। और मैक्सिमम जो कंपनी है पूरे इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में जो टॉप कंपनियां हैं सब बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसको सब अपनाने जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जितनी भी न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिटकॉइन को अगर ये एक्सेप्ट करती हैं पूरे वर्ल्ड में जो फेमस कंपनियां हैं, तो दोस्तों बिटकॉइन का जो रेट है वो और ज़्यादा जाएगा, प्रिडिक्शन यही है नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं वॉलमार्ट 83%, ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ फोर्ब्स मैगजीन की है, एक डाटा है बिटवे ग्रुप है जो कि इंटरनेशनली प्रिडिक्शन करता है ब्रिटिश ऑनलाइन का, जो कि एक बेटिंग प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि वॉलमार्ट 83%, ब्रिटिश एयरवेज 75% और मैकडोनाल्ड 66%, इतने परसेंट चांसेस हैं इनके बिटकॉइन एक्सेप्ट करने के नेक्स्ट ईयर, ठीक है दोस्तों। और अगले साल का जो टारगेट है वो बता रहे हैं कि $20,000 के आसपास ये जा सकता है, और इसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो $15,000 से $20,000 के बीच में रहेगा नेक्स्ट ईयर, और अभी जो चल रहा है वो $11,300 चल रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन है इनके, तो उसके बेस पे इन्होंने बताया है कि जो भी अमेजन की जो कंपनी है अगर वो इंटरनेशनली इनको एक्सेप्ट करते हैं BTC को, तो फिर इसका जो प्राइस है वो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर जाएगा, क्योंकि जो भी कंपनीज हैं उनको यूज़ करेंगे BTC को, और उसके बाद जो उसका BTC का वॉल्यूम है, ट्रेडिंग का वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज़ होगा, डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, सप्लाई कम रहने की वजह से उसका जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम जो भी और जितने भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं टॉप के, उन्होंने बिटकॉइन को ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर, जैसा कि रेंट का आप देख रहे हैं, यह एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी न्यूयॉर्क की जो कंपनी है उसका नाम है मैनेजगो, वो ऑलरेडी ऑनलाइन रेंट के रूप में बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो रेंट में आप BTC यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट उनको सेल कर सकते हैं, जो रेंट मंथली होता है घर का जो किराया होता है उसके रूप में बिटकॉइन को एज मोड ऑफ पेमेंट गेटवे के रूप में ये यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरह से बिटकॉइन का जो प्रचलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए और सेफ़ ट्रेडिंग कीजिए आप। ठीक है, और मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए और आगे आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मैं लाता रहूँगा जो भी बिटकॉइन से रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।